वो कोई अच्छे गुलकार होते, कोई अच्छे तबला बजाने वाले होते तो ये नहीं होता। लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, एक लोगों की खिदमत करनी पड़ती है जो ये खिदमत करने की बात करें। और दूसरा, मैं सख्त अल्फाज में कंडेम करूंगा कि जो ये नया रेटरिक नई जो बात शुरू कर दी ना कि हम आज़ाद नहीं है, यार क्यों गुलाम बना रहे हो हम सबको? हमने 75 साल पहले आज़ादी हासिल की थी, हमारे बड़ों ने उस आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमारी मुल्क के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी के लिए, और अभी हमें कह रहे हो कि हम गुलाम हैं। ये गुलाम हो गए तुम, इधर हम गुलाम हैं। देखें, हम सबको यही कहते हैं कि जो ज़ाब्ता अखलाक हो उसके तहत चलें। इलेक्शंस हैं, हो जाएंगी अभी 21 तारीख को हमारी बाई इलेक्शंस हैं, यानी 245 गालबन, उसमें 28 तारीख को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का सेकंड फेज़ है, उसके बाद 3 और इलेक्शन सूबा सिंध में होनी है जो बाई इलेक्शंस। तो ये माहौल और इसकी एक वजह है ना, जो ये अगर आप इस तरीके की रेटरिक देंगे, आए लोगों की खिदमत करें, अपना प्रोग्राम बताएँ, तो ये सारी बातें नहीं होंगी। आपने जहाँ तक बात की, मैं आपको ये बताऊं कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कराची और पूरे सूबे के लिए, इसलिए कि बाकी सूबों के बाकी जगहों पे भी हमारे मेन शाहराएँ कुछ जगह पे कट गई हैं बारिश के, बरसात के पानी से। कल ठट्टा में थोड़ा सा एक सिचुएशन डेवलप हो गई थी, वो भी देखने के लोगों को घरों से निकालना पड़ा था और एक इमीडिएट स्टेप लिया था। अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो दादू में शदीद बारिश हो रही है, ये पूरे सूबे में बरसात हो रही है। लेकिन इन सब के लिए हमने, मैंने, हमारी काबीना ने पिछली मीटिंग में इमीडिएटली बगैर किसी बात की ये कहा था कि 1 अरब रुपए इमीडिएटली रिलीज़ करें KMC को, ताकि वो पैच वर्क और सड़कों की हालत बेहतर कर सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा प्लान है कि तकरीबन 10 अरब रुपये हम रिहेबिलिटेशन के लिए अरेंज कर रहे हैं ताकि हम खर्च कर सकें उसको।